नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है मोबाइल मॉडल अनबॉक्सिंग। मेरा नाम है महेश प्रजापति। आज मैं करूंगा अनबॉक्स एक एयरपोर्ट को। जैसे कि कईयों की नीड होती है कि मेरे को एक सस्ता एयरपोर्ट चाहिए, लेकिन सस्ता एयरपोर्ट आजकल बहुत कम मिल पाते हैं, और अच्छे भी चाहिए, सस्ता भी चाहिए, लेकिन सस्ते के साथ साथ बढ़िया भी चाहिए। तो आपको मैं एक सामने एक ऐसा एयरपोर्ट लेके आ रहा हूँ, एप्पल की कॉपी। एप्पल एयरपोर्ट प्रो है, वो एप्पल का क्लोन है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, सेम आपको ऐसा लगेगा पैकेज के देखकर। जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए, जैसे कि ये देखो, ये जैसे देख सकते हो सेम एप्पल की कॉपी है, क्लोन है, क्लोन बोल सकते हैं, फेक कह सकते हैं, क्लोन है एप्पल की। और इससे मेरे शॉप पर ये मात्र 1500 रुपये का है, मात्र 1500 रुपये का है, सबसे अपर क्वालिटी का है, सबसे प्रीमियम क्वालिटी का। मैं ये नहीं कहूँगा कि सबसे बढ़िया क्वालिटी का, लेकिन सबसे प्रीमियम क्वालिटी का हम रखते हैं। इसमें और भी कोई वैरायटी आती है, वो बहुत हल्का होता है, ये वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है, और ये वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है, ये जो एयरपोर्ट से जो वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है, और आप इसे कम बजट में खरीद सकते हैं हमारी शॉप से, जो द्वारका सेक्टर 12 में, जैसे कि मैंने आपको मेंशन कर रखा है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एड्रेस। अब वहाँ पे जाके आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एड्रेस दे सकते हैं, द्वारका सेक्टर 12 जा सकते हैं, कभी विजिट कर सकते हैं कभी भी। और द्वारका सेक्टर 12 में आयुष्मान हॉस्पिटल के नियर बाय हैं। और मैं आपको और एक चीज़ बताऊँ, जैसे कईयों को होता है कि भाई मुझे, कई बंदे होते हैं कि भाई मैंने एप्पल का फ़ोन ले लिया, 60-70 हज़ार का फ़ोन ले लिया, ठीक है, 60-70 हज़ार। कई लोग होते हैं कि 60-70 हज़ार का फ़ोन ले लिया, लेकिन एयरपोर्ट पर 25 हज़ार क्यों खर्च करें, ठीक है। तो उनको शौक पूरा करना है, तो इससे बेटर जरिया और कोई है ही नहीं। आप एप्पल की क्लोन ले सकते हो, क्लोन से, और ये नहीं कहूँ साउंड बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया साउंड है इसका, ये नहीं कहूँगा कि ये ओरिजिनल जैसा साउंड है इसका, ओरिजिनल जैसा साउंड भी नहीं कहूँगा, बहुत फ़र्क है ओरिजिनल और इसमें कॉपी में, बहुत फ़र्क है क्लोन और क्लोन में, और क्या कहते हैं ओरिजिनल, बहुत फ़र्क है। आप इसे लेकर इससे बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, शौक हो अपना असली, जैसे किसी को शौक होता है कि मैं एप्पल का एयरपोर्ट सुन रही, लेकिन इस पर बजट नहीं हो पाता, क्यों, असली एयरपोर्ट 24,999 रुपये का है। आप इसे क्लोन को लेकर अपना शौक पूरा कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें कई तरह की वैरायटी आती है, अब वैरायटी में कहाँ तक आपको लेना है, किस बजट प्राइस में लेना है, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा इस एयरपोर्ट के बारे में, कि इसमें जैसे एप्पल में कनेक्टिविटी होती है, सेम टू सेम कनेक्टिविटी एप्पल की तरह होती है। मेरे पास एप्पल का फ़ोन है नहीं, और मैं आपको कनेक्टिविटी भी करके नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन मेरे पास जो एंड्रॉयड फ़ोन जो है, मैं आपको उसको एंड्रॉयड फ़ोन में कनेक्टिविटी करके दिखा पाऊँगा। आप देख, मैं आपको अभी जब अनबॉक्स करूँगा आपको देखना ध्यान से, और ये टिप्स मिलते हैं एक्स्ट्रा, एयर टिप्स मिलते हैं इसमें एक्स्ट्रा, आप उसे यूज़ कर सकते हैं, बड़े कान के लिए बड़ा एयर टिप्स होता है, छोटे कान के लिए छोटा एयर टिप्स होता है, आप जैसा चाहो, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे, आप वैसा ही इसे एप्पल का एयरपोर्ट प्रो, आपको असली की जैसा मजा लेना, तो एक क्लोन से बेटर और कोई रास्ता नहीं है। क्लोन में भी क्वालिटी बहुत तरह की आती है, क्वालिटी उससे बेस्ट है, मेरे पास जो प्रीमियम क्वालिटी की है, आप मेरी शॉप पर विजिट कर सकते हैं कभी भी आके। और मैं आपको और एक चीज़, आप सोचोगे इसमें कि एयरपोर्ट प्रो में नॉइज़ कैंसिलेशन भी मिले, वो ऐसा नहीं है। नॉइज़ कैंसिलेशन वाला एयरपोर्ट अलग आता है, लेकिन ये नॉइज़ कैंसिलेशन वाला एयरपोर्ट नहीं है, और ये नॉइज़ कैंसिलेशन नहीं है इसमें, क्योंकि कम बजट में, और आप क्या लोगे, आप इतने कम बजट में वो 25,000 का एक, आप 1500 रुपये का, बहुत फर्क है चीज़, समझते ना बात को। अब हर चीज़ में हर कोई बजट के हिसाब चलता है, बजट के हिसाब से ये सोचो कि बैकअप, बैटरी बैकअप का मैंने यूज़ करा है, बैटरी बैकअप मात्र 3-4 घंटे रेगुलर चलता है, और ये जो इसकी डब्बी है 3 बार चार्ज कर देती है, जो इसका पावर हम तो ब्लूटूथ यूज़ करो, अपना एंड्रॉयड फ़ोन में तो थोड़ा दिक्कत होती है, लेकिन एप्पल फोन में तो सीधा पॉपअप होते ही उसमें पॉपअप विंडो बनी आ जाती है, अपना ओपन हो जाता है। और मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहूँगा, आप प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देखिए, शुरू से लेके एंड तक लगेगा। चलिए हम इसे करते हैं अनबॉक्सिंग, देखते हैं इसमें कनेक्टिविटी, देखते हैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करा करूँगा मैं आप, मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दिया पहले मैंने आपको, क्योंकि मैं पहले यूज़ कर चुका हूँ ये प्रोडक्ट, ठीक है। चलिए हम करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, देखते हैं इसमें क्या क्या एक्सेसरीज मिलती है, क्या क्या नहीं मिलती है। देखिए जैसा कि आपको दिख रहा है, देख रहे हम डिट्टो ओरिजिनल है, डिट्टो ओरिजिनल है, ये बिल्कुल क्लोन है एप्पल का, आप कहीं से भी पता लग सकता है, पैकिंग भी वैसी है ऐसे ओरिजिनल में आती है। देखिए इसमें प्राइस भी लिखा हुआ है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ प्राइस भी, देखिए इसमें प्राइस भी लिखा है 24,999 रुपये, जैसे ओरिजिनल लिखा होता है। चलिए हम करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग,
यहाँ से काटते हैं, से पहले यहाँ से एक यहाँ से करा, दूसरा यहाँ से करा, तीसरा यहाँ से कट लगाया, ठीक है। और उसको हम थोड़ा पीछे कर देते हैं, अब हम ऐसे निकालते हैं, देखने में बिल्कुल ओरिजिनल तरह निकलेगा। देखा, ये देखते हैं हम, ये देखिए, ये हमारा यूज़र मैनुअल है। जैसे कि आप देखते हैं, ये यूज़र मैनुअल है, लिखा हुआ डिज़ाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया। हम यूज़र मैनुअल देखें पहले, इसमें क्या क्या है यूज़र मैनुअल में। ऐसा यूज़र मैनुअल ऐसा कुछ नहीं है, मेड इन चाइना का प्रोडक्ट है ये, हमारे को ऐसे ही दिखाने के लिए है, ठीक है। बिल्कुल चाइना में लिखा है, अब अगर पढ़ना चाह सकते हो तो पढ़ सकते हो उसको, आप वीडियो पॉज करके। इसमें ऐसा कुछ खास नहीं लिखा है, सब ऐसे ही है। ये देखिए, तीन तीन चार चार डाल रखा है एक चीज़ को, कोई यूज़ नहीं है, खाली एक यूज़र मैनुअल है, कौन पढ़ता आजकल की डेट में है मोस्टली, लेकिन पढ़ना चाहिए। चलिए हम इसको साइड में रखते हैं, साइड में रखते हैं इसे हम, और हम निकालते हैं इसमें अपना एयरपोर्ट्स। ये हो गया हमारा एयरपोर्ट्स, ये देखिए, ये हमारा एयरपोर्ट्स हो गया, मेड इन जापान का। और साइड कर देते हैं, अच्छा नहीं लग रहा। ये हो गया हमारा एयरपोर्ट्स, देख सकते हैं, ये बटन दबाता हूँ पीछे से, कहाँ बटन का, ये देखिए लाइट जल्दी रेड। अब इसमें पर्चे, अब देखते हैं इसमें, इसको साइड करते थोड़ा, अब देखते हैं इसमें क्या क्या आता है। ये हमारा कुछ नहीं, खैर ये हमारी लाइटनिंग केबल होगी टाइप सी की, आप देख सकते हैं लाइटनिंग केबल टाइप सी की, ये देखिए जैसी नॉर्मल आती है टाइप सी केबल, देख सकते हैं आप, ये देखिए लाइटनिंग केबल है टाइप सी की, देख सकते हैं नॉर्मल टाइप सी केबल है, कोई ज़्यादा खास बात नहीं है। और हमारे ये है एयर टिप्स, ओ निकल भी गए, कोई बात नहीं, एयर टिप्स है बिल्कुल ओरिजिनल की तरह। ये देखिए, इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है, नॉर्मली एयर टिप्स है, इसमें छोटे एयर टिप्स भी है, बड़े एयर टिप्स ही है, सबका अपना अपना होता है, जैसा आपके कान में फिट बैठता है आप वैसे एयर टिप्स यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखेंगे इसका एयर टिप्स को सेट रखते हैं ज़रा, ये हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है, एयर टिप्स सेट कर रहा है, हमारा है मेन ये एयरपोर्ट्स। अब हम एयरपोर्ट्स को ओपन करेंगे, इसको सेट करते हैं, डब्बे में ऐसा कुछ नहीं है, लंबा साइड कर देते हैं। ये कहाँ से ओपन होगा देखते हैं ज़रा हम, ये हमने यहाँ से खोला, ये पूरा खुल गया। अब देख सकते हैं रेड लाइट जल रही है, ये देखिए, इसके बाद सुनाता हूँ, ये बिल्कुल गाइस बिल्कुल ओरिजिनल की तरह ही, सेम ओरिजिनल की तरह, जैसे ओरिजिनल में यूज़ होता है, कनेक्टिविटी वैसी ही होगी, कनेक्टिविटी वैसी ही है, वैसी होगी नहीं, वैसी ही कनेक्टिविटी है इसकी। ये देखिए, कट 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 कट, मज़ा आ रहा था गाइस, मज़ा आ रहा बहुत इसे करने में, टक 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 टक, वो सेम ओरिजिनल की तरह है। ये देखिए लाइटनिंग केबल, और आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ये वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट करता है, आप इसे वायरलेस चार्ज भी कर सकते हैं, करके देख सकते हैं, और इसे वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है। अब इसे हम कनेक्ट करके देखेंगे अपने एंड्रॉयड फ़ोन में, एप्पल में तो पॉपअप विंडो आ जाती है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती एप्पल में, लेकिन एंड्रॉयड में ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे कि हमारा एयरपोर्ट था, अब देखो हम इसमें हम देखेंगे, पहले हम अपना ब्लूटूथ ओपन करेंगे, ये हमारा है, ये रहा ब्लूटूथ, ओपन करा, इसे कनेक्टिविटी पहले खोल के रखना पड़ेगा थोड़ा देर, इसके शटर को, ये आएगा इसमें अभी, किस नाम से आता देखते हैं ज़रा, एयरपोर्ट प्रो के नाम से आया, जैसा कि आप देख सकते हैं एयरपोर्ट प्रो के नाम से आया, हमने कनेक्ट करा से, अब पेयरिंग हो रहा है, अब पेयरिंग के बाद देखते हैं, ये आ गया, कनेक्ट हो गया, अब दिखा रहा है कनेक्टिविटी, इसमें लिखा है लिसनिंग एट द हाई वॉल्यूम फॉर अ लॉन्ग टाइम मे डैमेज फॉर हियरिंग टैप, ओके, कुछ ज़्यादा खास नहीं है, 80% बैटरी है, आप देख सकते हैं इसकी 80% बैटरी है। चलिए रखते हैं हम इसे नीचे, बंद हो गया, सॉरी
खोल के रखना पड़ता है, इधर डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ये देखिए जब तक ऊपर ना, जब तक हम निकाल ना ले इसको, जब तक ये ओपन ही रहता है। अब देखिए चलिए हम इसको निकाल लेते हैं, एयरबड्स को अपने कान में हम यूज़ करेंगे। पहले आपको मैं इसके बारे में दिखाऊंगा। ये हमारा कनेक्ट हो गया, इसको हम साइड रख सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा अब ये इस एयरपोर्ट के बारे में। जैसे कि हमने देखा कनेक्टिविटी दिखा रहा 80%, और एप्पल में तो ये चीज़ें करने की जरूरत नहीं थी। एप्पल में भी ऐसे ओरिजिनल यूज़, जैसे कि ओरिजिनल चलता है वैसे ही एप्पल में वैसी कनेक्टिविटी होएगी, एंड्रॉयड में तो वैसी नहीं आती है। मैं आपको इसमें अब सॉन्ग चला के दिखाऊंगा मैं आपको, वॉल्यूम तेज कर देंगे। चेक करते हैं जरा, ये देखिए इसमें कनेक्टिविटी साइड हट गया तो ये कनेक्टिविटी बढ़ गई। देखिए आवाज़ आ रही है, इसमें आवाज़ आ रही है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा इसमें, देखिए सॉन्ग में मैं माइक के पास ले आके दिखा रहा हूँ मैं आपको कैसी आवाज़ आती है। देखिए साउंड कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताना। आपको ऐसे पता नहीं लगे, जब तक आप परचेज नहीं करते तो आपको पता नहीं लग पाएगा कि साउंड क्वालिटी कैसी है कैसी नहीं है। चलिए हम उसको आगे भी देखते हैं, इसमें और क्या क्या चीज़ हो सकती है, नई नई चीज़ें। अब मैंने और गाइस मुझे इसमें एक चीज़ और नोटिस करी है, देखने को मिली है मेरे को, जो मेरे पास पहले वाला एयरपोर्ट्स प्रो था जो कॉपी में था, उसमें एक एयरपोर्ट से निकालते ही ये ऑटोमेटिक बंद हो जाता था। लेकिन ऐसे एक एयरपोर्ट से निकालते ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इस वाले एयरपोर्ट्स में ऐसा नहीं है। जबकि दोनों मैंने एक ही प्राइस पर ख़रीदे थे, वो तो मैं यूज़ कर रहा हूँ। और ये देखिए इसमें भी ऐसा कुछ देखने नहीं मिला। और ये देखिए आप देख, आप जैसा कि देख सकते हैं, ये देख सकते हैं गाना बज रहा है, ये देखिए आप देख सकते हैं। देखने में ये ओरिजिनल जो आता है इसमें, जैसे ये देख सकते हैं, ये जाली जाली टाइप की आती है लेकिन प्लास्टिक का पूरा है। और जो ओरिजिनल आता है उसमें माइक लगा होता है नॉइस कैंसिलेशन का, ये नॉइस कैंसिलेशन वर्क नहीं करता। अगर नॉइस कैंसिल आपको दिखाएगा लेकिन पूरी तरह प्रॉपर वर्क भी नहीं करेगा। और गाइस और एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये साइड में इसका है, ये देखिए गन ऑफ चालू ऑफ चालू ऑफ चालू ऑफ चालू, अभी बैटरी ऑफ दिखा रहा है ये, देखिए देखिए वॉल्यूम मैक्सिमम, ये देखिए वॉल्यूम मैक्सिमम दिखा रहा है, देख सकते हैं। और दो बार टैप करने से ये फ़ोन पिकअप करता है, फ़ोन पिक करता है, और दो बार टैप करने से आप दो बार टैप करते हैं फ़ोन पिक भी कर सकते हैं इसमें। चलिए और इसमें कुछ खया खास नहीं है। और मैं अभी आपको और चीज़ बताता हूँ, ये देखिए चलिए आइए। गाइस आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, मैंने पूरा आपको अनबॉक्स करके दिखाया और अपना एक्सपीरियंस शेयर करा आपको। मैंने इसमें म्यूजिक भी चला के दिखाया आपकी, इसकी साउंड क्वालिटी भी टेस्ट करके दिखाई मैंने, ठीक है। और मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहूँगा, आपको मेरी शॉप पर विजिट कर सकते हैं, मैंने अपना एड्रेस अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप प्लीज़ मेरे एड्रेस पर विजिट करिए, इसे और से खरीदिए, आप परचेज करिए, देखिए मेरा आपका एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा होगा, आप कभी विजिट कर सकते हैं। और मैं और एक चीज़ और कहना चाहूँगा अपनी वीडियो ख़त्म करने से पहले, आपको एयरपोर्ट्स लो लेकिन देख के लो, कहीं से भी लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप ये नहीं कहेंगे मेरी शॉप से ही लो, लेकिन आप कहीं से भी लो, लेकिन एयरपोर्ट्स में आपको एकदम कई सारी वैरायटी आती है जो प्रीमियम क्वालिटी है। आपको दुकानदार दिखाने दिखाए लेकिन हम आपको प्रीमियम क्वालिटी जरूर दिखाएंगे। तो एक चीज़ बताना चाहूँगा, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए और शेयर करना भी ना भूलिए। हम फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो साथ, आपके सामने हाजिर होंगे। जय हिंद।